हुआ सम्मान बेटो, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। ये कोई तरीका होता है, है? मतलब कभी तो आदमी कुछ समझे, कुछ सुने, है? मतलब हर चीज में राजनीति। ये राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, ये कोई तरीका होता है कि जब देखो तब राजनीति? वहाँ हाथरस चले गए, वहां पे इतने लोग बेचारे नहीं, बाबा के सत्संग वत्संग में गए थे, वहां मतलब कांड हो गया और राहुल गांधी तुरंत चले गए। उनके बच्चों को गले से लगा करके उनको जो है सांत्वना दे रहे हैं, उनके लोगों से मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना? और बाकी लोग जो है लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं आप राजनीति आज देश में? मतलब देखिए बिहार में धड़ाक 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 पुल टूटे चले जा रहे हैं, देखिए वहां पर पानी भर गया, लखनऊ में नाव चल रही है, बनारस में लोग वहां बाइक अंदर घुसी जा रही है मैनहोल के अंदर, ठीक है, नाव चल रही है, लोग परेशान हैं। अयोध्या में देखिए सड़कें धसी चली जा रही हैं। ये सब आपको नहीं दिखता है कि जाके अयोध्या में जो सड़कें हल्के धस गई हैं वहां पे जाके काम करो? जो लोगों के घर में पानी घुस गया है ना, तो पानी ले जा करके उनका घर का पानी बाहर निकालो, मोटर लगा के वहां पे बैठो 2 घंटे। जो अगर कहीं मंदिर वंदिर के आसपास जाके देखो कहीं पर थोड़ा सा, अगर आप ये करते हो, हिंदुओं को बड़ी चिंता है आपको, हाँ, तो मंदिर में जाकर के वहां पे कुछ देखो जाकर के, अयोध्या में जाकर के। लेकिन ना भाई साहब, राजनीति, मणिपुर चले गए। मतलब आप क्या मोदी जी से बड़े हो गए हो? मोदी जी के मतलब क्या कोई दिमाग नहीं है, कोई सोच समझ नहीं है? मोदी जी आज तक मणिपुर नहीं गए, ये भाई साहब 2-2 बार मणिपुर जाकर के लोगों का दुख दर्द सुन रहे हैं। भाई साहब ये राजनीति कर रहे हैं, हाँ, ये राजनीति। उसके बाद वो लोगों के पायलट जो है उन पायलटों को जाकर के कि 2-2-3-3 दिन छुट्टी नहीं मिलती है और ऐसे काम करना पड़ता है और ये सिस्टम है और वो है, बेचारे उनके दुख दर्द। अरे हर जगह राजनीति। वो जो राजमिस्त्री होते हैं सीमेंट मोरंग मिला करके ना, जो टाइल्स वाइल्स ईंटे वीटे सब घर वर बनाते हैं, वहाँ जा करके अपना वो सीमेंट वीमेंट ले करके, मसाला ले के, ईंट और पत्थर वहाँ जा करके करने लगे। हर जगह राजनीति है और राजनीति करनी कुछ तो मतलब सीखिए आप। हर जगह चुनाव खत्म हो चुका है, अभी भी राजनीति में घुसे हो। आज कहीं हाथरस चले जा रहे हैं, कहीं मणिपुर चले जा रहे हैं, कहीं राजमिस्त्री से मिलने चले जा रहे हैं, कहीं लोगों को ड्राइवर से मिलने चले जा रहे हैं, कहीं भी जा। और यहाँ ये लोग सब कह रहे थे बीजेपी वाले, देखना चुनाव हो जाएगा, छुट्टी पे निकल जाएंगे, तो इन लोगों की जबान को खराब करवा रहे हैं आप यहाँ पे घूम घूम करके। अरे हो गया था, निकल जाते इटली बैंकॉक चले जाते छुट्टी पे। इन लोगों ने पहले ही बोला था, अब बेचारे यहाँ मणिपुर हाथरस यहाँ पे फंस करके इन लोगों की जबान खराब करवा दी। और हम कहते हैं राजनीति करनी है तो कुछ तो मतलब आप सोचिए, एक जींस और एक टी शर्ट पहन के हर जगह राजनीति करने मतलब पहुंच जाते हैं आप। कुछ तो देश के प्रधानमंत्री जी से सीखिए, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं बने हैं, उनसे सीखिए राजनीति। और आप इतने भी गरीब नहीं कि एक जींस टी शर्ट में हर जगह घूम रहे हो, कहीं से थोड़ी बहुत व्यवस्था करके 2-4-5 लाख के, 6 लाख के, है ना, नहीं 10 लाख का सूट सही, है ना, तो 1-1.5 लाख के सूट तो सिलवाओ, उस तो पहनो। अगर राजनीति करनी है, राजनीति करनी है। मोदी जी देखो इधर चुनाव इटली चले गए थे, इसके बाद देखो रसिया चले गए हैं, अपना जा रहे घूम फिर करके चीज़ें, यहाँ पे लोग लगे हुए, ये यहाँ पर, यहाँ गरीबों के पास में, वहाँ पीड़ितों के पास में, वहाँ मणिपुर, ये राजनीति जो है ये देश के लोगों को मतलब नहीं, देश के लोगों को नहीं, बीजेपी के लोगों को बर्दाश्त नहीं है कि आप ऐसी राजनीति करें, समझे? जिस तरीके की ये राजनीति चल रही, सीखो यहाँ पे इन लोगों के जैसे राजनीति करो। हाँ, कुछ भी झूठ फरेब चीज़ें, अब बताओ संसद में जा करके बोल रहे हैं कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, और ये जो बीजेपी के हिंदू हैं और ये जो RSS के हिंदू हैं, है ना, वहां पे जाकर के आप सच्ची सच्ची बातें बोलो। ये राजनीति होती है सच्ची बातें बोलना, मतलब कुछ सीखा नहीं। 10 साल हो गए, 11वां साल तिवारा प्रधानमंत्री बन गए, झूठ और फरेब और मीडिया और जुमलेबाजी और मटन और ये मछली और ये मंगलसूत्र पता नहीं अंट संट बोल बोल करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, और आप जाकर के वहां संसद में भी सच बोल रहे हैं। ये राजनीति है कोई आपकी? देश को गुमराह करना बंद कीजिए। अगर राजनीति करनी तो कायदे से राजनीति करिए, कम से कम झूठ फरेब ये वो जो कुछ तो सीखो ना बीजेपी से। हद हो गई राजनीति राजनीति राजनीति, इधर मुंह उठा करके चल दिए। सुबह सुबह 5:30 बजे निकल जाते हैं, ये कोई तरीका है? बाकी सब सो रहे हैं यहाँ पर,
और आप 5:30 बजे निकल गए, किसी को पता ही नहीं। बाद में पता चलता है कि वहाँ राजमिस्त्री के पास चले गए, वो ड्राइवर से मिलने चले गए, कहीं ट्रक वालों से मिलने चले गए, कहीं हाथरस वालों से मिलने चले गए। बस यही राजनीति है। तो राजनीति से राहुल गांधी जी बाहर आइए, और राजनीति करनी है ना तो ये बीजेपी के लोगों से, मोदी जी से, ये जो बड़े बड़े महान राजनेता राजनीतिक कुशलता वाले लोग, इनसे सीखिए। इस तरीके से सब सच्ची और अच्छी बातें करने से किसी के मुंह पे संसद में ये करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब 99 सीट पा गए हो तो आपको क्या लग रहा है कि अगली बार 250 सीट पा जाओगे ऐसी राजनीति करके? हो सकता है पा भी जाए तो भैया वो तो तब की तब है, लेकिन अभी ये सब राजनीति जो है ना ये, हाँ समझ गए, हाँ कुछ कायदे का काम करिए, इत्मीनान करिए, बैंक आप चले जाइए, इटली चले, छुट्टी मनाइए। लोगों के ये सब दुख दर्द और चीज़ें, ये कोई राजनीति नहीं होती है। हर जगह जा कर के कंधे से लगा लिया, गले से लगा लिया और फोटो खिंचा लिया और जा कर के सच सच बोल दिया, ये सब राजनीति नहीं होती राहुल जी। राजनीति को सीखिए आप। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।